कि जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट में चेंजेस लाती है या फिर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करती है उसे हम क्या कह देते हैं इन शॉर्ट सेंस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ठीक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है क्योंकि तो वो ऑलरेडी लॉसेस में चल रही होती है या जो उसकी बैलेंस शीट है वो उसकी सही पोजिशन नहीं दिखा रही होती अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद होता क्या है कंपनी की जो बैलेंस शीट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती है कि कंपनी की पोजिशन क्या है और कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी मतलब अपने जैसे हम घर घर का करते करते हैं हैं ना जो जो एग्जांपल लिया था कि भाई घर को करते कि भाई को कमियां होती हैं वो रिमूव करते हैं तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी कंपनियां क्या करती हैं अपने अंदर की जो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कमियां हैं उनको रिमूव करती है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के थ्रू ठीक है अब क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन आ रखे टू थाउजेंड में इंटरनल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड

इंटरेस्ट बढ़ के मिला एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनकी क्या एंट्रीज होंगी फिर आगे देखे क्रेडिटर्स और ऑप्शन मतलब क्रेडिटर्स की वो क्या हुई है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फिर क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करी है वो कैसे करी है लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू करा गया हम क्या करेंगे एक एक पॉइंट उठाएंगे एक एक एंट्री उठाएंगे और उसकी जर्नल एंट्री पास करते चलेंगे फिर उसके बाद बोला हुआ है कि जर्नल एंट्री के साथ साथ हमें कंपनीज की बैलेंस शीट भी बनानी है स्टार्ट करें ठीक है देखो पहला पॉइंट क्या है इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय नाइंटी फाइव पर शेयर ठीक है इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस कर दिया गया 95 फाइव शेयर, मतलब जिसके पास जिस शेयर होल्डर के पास एक हंड्रेड रुपीज वाला शेयर था अब उसे बोल दिया गया कि इस शेयर की वैल्यू सिर्फ कितनी रह जाएगी फाइव रुपीज रह जाएगी कितनी रह जाएगी फाइव रुपीज बचे हुए नाइन्टी फाइव रुपीज कंपनी कहां ट्रांसफर कर देगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ठीक है तो जो हमारा शेयर्स है उनके रिड्यूस कर देगी इसकी एंट्री क्या होती है देखो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है हंड्रेड रुपीज वाला जब इक्विटी इशू होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं अब खत्म करना है तो डेबिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड रुपीज हंड्रेड फेस वैल्यू वाले क्या अमाउंट थी ट्वेंटी लाख रुपीस तो अमाउंट गिवन है ट्वेंटी लाख रुपीस बोला क्या क्या है हंड्रेड रुपीस वाले शेयर को मतलब जिस शेयर होल्डर के पास हंड्रेड रुपीस होंगे उससे हंड्रेड रुपीस वाला शेयर ले लिया जाएगा और इसे एक फाइव रुपीस वाला शेयर दे दिया जाएगा तो जब फाइव रुपीस वाला शेयर दिया जाएगा मतलब जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल जो इश्यू होगी वो कौन से रुपए फेस वैल्यू वाली होगी 5 रुपीज वाली है ना यही होगा अब टोटल शेयर्स कितने थे टोटल ट्वेंटी थाउजेंड शेयर ट्वेंटी मतलब लाख ,00 हमारे क्या हो गए नए शेयर जो इशू हो गए फाइव रुपीज वाले ठीक है बचे हुए नाइनटीन लाख जो नाइनटी फाइव रिड्यूस हुए उसे हम कहा ट्रांसफर कर देंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में तो सारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में लाख ,00 रुपीस ये हमने फर्स्ट का काम करा कि जो हंड्रेड रुपीस वाला शेयर था उसकी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू रिड्यूस करके फाइव रुपीस कर दी क्योंकि तो जो बचे हुए नाइनटी फाइव है उसको सेपरेट अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिया चले आगे सेकेंड पॉइंट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है इसी इंफॉर्मेशन में कि सेकेंड पॉइंट बोला हुआ है दे आर देन कंसोलिडेटेड इनटू टू टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन ईच मतलब पहले फाइव फाइव रुपीज वाले दिए अब फाइव फाइव रुपीज वाले वापसी ले लिए मतलब अगर दो कोई फाइव रुपीज वाला दे रहा है तो उसे टेन रुपीज वाला दे दिया कंसोलिडेट कर दिया अमाउंट कम नहीं करी जिसके पास पहले दस हजार के शेयर थे उसके बाद अब भी दस हजार रुपए के रहेंगे लेकिन पहले वो होता है ना जिसे चेंज करा लेते हैं हम पहले सौ का नोट था दस दस के बन गए पहले कितने कितने के नोट थे पांच पांच रुपए वाले शेयर थे अब वो कितने कितने वाले बन जाएंगे दस रुपए वाले मतलब दो पांच वाले देंगे शेयर होल्डर्स और एक दस रुपए वाला ले जाएंगे तो ये इसकी एंट्री क्या होगी जो हमारे टेन रुपीज वाले जो हमने ऊपर फाइव रुपीज वाले क्रिएट करे हैं उन्हें खत्म करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड इसकी फेस वैल्यू क्या होगी फाइव रूपीज जो हमने ऊपर फाइव रुपीज वाले क्रिएट कर रखे हैं अब इनको किस में कन्वर्ट कर, कर दिया है टेन रुपीज में तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड क्या फेस वैल्यू है टेन फेस वैल्यू है वन लाख रुपीज अमाउंट कोई रिड्यूस नहीं हुई तो जो हमारी पहली इंफॉर्मेशन हो गई उसमें सबसे पहले हमने शेयर्स की फेस वैल्यू रिड्यूस करी और उसको बाद उसको कंसोलिडेट किया चले नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू फॉर गो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट

मतलब जो अमाउंट हमने वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड देनी है हमारी कैपेसिटी है नहीं देने की हम एक काम करते हैं आप हमारे वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड कैंसिल कर दो हम अगले महीने से अगले साल से आपको की चौदह परसेंट इंटरेस्ट देंगे कंपनी ने पहले क्या डिसाइड किया था डिवेंचर वालों के साथ कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे अब कंपनी क्या बोल रही है उनको ध्यान से सुनना कि वन जो इंटरेस्ट देना है उसे हम कैंसिल कर देते हैं उस परसेंट वाले को हम 14% कर लेते हैं मतलब अगले साल से हम दो परसेंट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देंगे आप लोगों को क्यों दो एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि आप हम 1, 20, कर रहे तो अब हम तो तो पहले कैंसिल की पार लें तो कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी देखो जब वो क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी का तो उसे डेबिट कर देंगे तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड क्या अमाउंट थी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और ये सारा पैसा कहां चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या अमाउंट वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है। फिर सेकंड काम क्या करना है इसी इंफॉर्मेशन में कि जो हमारे 12 परसेंट वाले डिबेंचर्स हैं उसे फोर्टीन परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए हमारी एंट्री क्या हो जाएगी 12 परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड क्या अमाउंट थी फाइव लाख रुपीस? टू फोर्टीन परसेंट डिवेंचर अकाउंट क्रेडिटेड 5 लाख रुपीज ठीक है पहले आउटस्टैंडिंग वन इंटरेस्ट को खत्म किया सेकंड काम हमने क्या किया 12 परसेंट वालों को 14 परसेंट मतलब अगले साल से हम 12 परसेंट इंटरेस्ट देने की बजाय हम आपको 14 परसेंट इंटरेस्ट पे करेंगे ये हमारी हो गई सेकेंड इंफॉर्मेशन अब थर्ड और फोर्थ इंफॉर्मेशन को एक साथ पढ़ेंगे पहले थर्ड और फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या कह रही है क्रेडिटर्स आर गिवन द ऑप्शन टू आइदर एक्सेप्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ देयर क्लेम इन कैश इन फुल सेटलमेंट और टू कन्वर्ट ये गलत है कन्वर्ट देयर क्लेम इन टू इक्विटी शेयर क्लेम देखो अब क्रेडिटर्स बैठे हैं क्रेडिटर्स को ऑप्शन दिया गया देखो क्रेडिटर्स थे कितने लाख रुपए ,00 के क्रेडिटर्स थे तीन लाख रुपए के क्रेडिटर्स कंपनी के सामने बैठे हैं कंपनी ने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन हैं कितने ऑप्शन हैं दो ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन या तो जितने पैसे आपने लेने हैं उसके फिफ्टी परसेंट लो और चले जाओ मान लो अगर किसी ने एक लाख रुपए लेने हैं कंपनी से तो कंपनी उसे सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड पे करेगी ठीक है पहला ऑप्शन ये उनको दिया दूसरा ऑप्शन क्या दिया उनको कि तो आप पैसे लेने के बजाय हमसे शेयर ले लो पूरे पूरे पहले में ऑप्शन क्या अगर आपने एक लाख रुपए लेना है तो आपको कितने मिलेंगे फिफ्टी दूसरे में ऑप्शन हम एक लाख रुपए के शेयर्स दे रहे हैं कैश नहीं दे रहे हैं तो ये क्रेडिटर होल्डर्स के पास ऑप्शन है ठीक है अब फोर्थ पॉइंट भी पढ़ लेते हैं टू मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑप्टिंग फॉर कैश पेमेंट टू आर्ग्यूमेंट वर्किंग कैपिटल द कंपनी इश्यू फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर टेन ईच एट पार्प इंफॉर्मेशन क्या कह रही है जो ऊपर पैसे देने हैं ना कंपनी को इक्विटी क्रेडिटर्स को वो पैसा कंपनी शेयर्स को इशू करके लेके आ रही है ठीक है तो पहले हम ये एंट्री मांगेंगे कि हमारे पास कैश आ गया बैंक में पैसा आ गया तभी उनको पे करेंगे इसलिए मैंने दोनों एक साथ पढ़ाई कि अगर पैसा आएगा पहले फिर उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे अच्छा इंफॉर्मेशन दे क्या रखी है कि जो दो लाख क्रेडिटर्स हैं दो लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं उन्होंने तो शेयर्स के लिए सेटिस्फाई हुए मतलब हुआ क्या होगा ध्यान से देखना जो यहां थे तीन लाख दो लाख ने शेयर्स के लिए माने और एक लाख रुपए क्या बोले होंगे कि हम कैश वाला ऑप्शन लेते हैं मतलब एक लाख वालों को हमने करा गया होगा पचास हजार रुपए नहीं दिए होंगे सिर्फ पचास हजार रुपए देकर छोड़ दिया होगा कि ये लो पचास हजार रुपये अब जाओ और दो लाख वालों को क्या करा होगा दो लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए होंगे टेन टेन रुपीज वाले ये लिखा है टेन रुपीज वाले अब इनकी एंट्रीज पास करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम शेयर इशू करेंगे ताकि हमारे पास पैसा आए तो शेयर इशू करने के लिए कितने बोले हैं फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर बोले हुए हैं 50000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार जो सारी की सारी अमाउंट है वो एप्लीकेशन मनी के साथ ही आ रही है एप्लीकेशन मनी के बाद मतलब हमने कंपनी ने कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं बना रखी कि फर्स्ट कॉल है अलॉटमेंट सेकंड कॉल कुछ नहीं है सारा एप्लीकेशन में ही पैसा आ जाएगा ठीक है तो अब इसकी एंट्री पास करते हैं तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी कंपनी के पास पैसा आएगा किस कारण से आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जैसा हम इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे एंट्री करते हैं बिल्कुल वही होंगी एंट्रीज कि पहले एप्लीकेशन में पैसा आया एप्लीकेशन के पैसे को हमने कैपिटल में ट्रांसफर करा टू इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट कितनी है 50000 शेयर्स ₹10 के तो 5 लाख रुपीस ठीक है अब इस पैसे को कहा मतलब जो इक्विटी एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट है उसको कहां ट्रांसफर कर देना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड फाइव लैख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम की सेम एंट्रीज जो हम इश्यू के टाइम पे करते हैं कोई चेंज नहीं ठीक है अब क्रेडिटर्स को सेटलमेंट करने का टाइम आ गया फिर दोबारा से रिवाइज करा देता हूं तीन लाख के क्रेडिटर्स से जिसको हमने दो ऑप्शन दिए थे पहला ऑप्शन क्या कि कैश ले लो दूसरा ऑप्शन क्या था या तो हम शेयर्स दे देंगे अगर आप कैश चूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ फिफ्टी परसेंट पैसा ही मिलेगा शेयर में दस रुपए वाला शेयर मिल जाएगा जितनी आपकी अमाउंट है और क्वेश्चन में क्या बन है कि दो लाख ने सेकेंड ऑप्शन क्लेम करा मतलब दो लाख को तो हमें शेयर्स देने पड़ेंगे और जो बचे हुए लाख लाख रुपीज के शेयर होल्डर क्रेडिटर्स हो गए उनको हमें फिफ्टी थाउजेंड पे करने होंगे यही होगा तो अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे हम तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी इसको मैं रेस कर देता हूं ध्यान से देखना तो ये एंट्री नंबर हो गई हमारी सेवंथ तो एंट्री नंबर क्या पहले तो क्रेडिटर्स जो सारे के सारे हैं वो खत्म हो गए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड क्या अमाउंट थ्री लाख रुपीस ठीक है अब जो खत्म हो गए उनको हमने कैसे कैसे पेमेंट करी है देखो जो वन लाख रुपीज वाले थे उनकी दो चीजें हो गई फिफ्टी थाउजेंड हमने मना कर दिए तो थाउजेंड कटे होंगे हमारा कंपनी का फायदा तो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन में डाल देगी तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट फिफ्टी थाउजेंड ये बात हो गई वन लाख की जो कैश के लिए माने थे बचे हुए टू लाख शेयर होल्डर्स जो उसके लिए माने थे शेयर्स के लिए उनको हम शेयर दे देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड क्या अमाउंट टू लाख रुपीस ठीक है ये हमारे क्रेडिटर्स भी सेटलमेंट हो गए हमने शेयर्स इशू कर दिए ऊपर चले आगे हमने क्रेडिटर्स को सेटलमेंट कर दी और इशू कर दिए थे शेयर्स

फिफ्टी तो थाउजेंड को लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना है डेबिट करना है क्योंकि वैल्यू को इंक्रीज करना है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा एट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड फिफ्टी थाउजेंड से क्या हमने खरीदी है नहीं सिर्फ रीवैल्यू हुई है तो कहां से जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से अमाउंट क्या रहेगी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखें अगली बात क्या रखी है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिटर्न डाउन टू टू लैख टेन थाउजेंड प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम कर देनी है टू टेन तक क्या गिवन है हमें हमें गिवन है थ्री लैख रुपीज मतलब नाइनटी थाउजेंड से कम कर देनी है तो नाइनटी थाउजेंड से कम कर देंगे हम तो नाइनटी थाउजेंड से कम करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट नाइंटी थाउजेंड कहां से जाएगा ये पैसा सारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जाएगा नाइन्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है आगे चलें बहुत सिंपल सा होता है हमारा इंटरनल फुल मार्क्स आने के चांसेस इसमें मतलब इसकी एंट्री कोई गलत नहीं हो सकती हमारी फिर आगे क्या बोला गया है डाउटफुल तो डेट्स के लिए जो प्रोविजन जब हमारा क्रिएट करते हैं हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट कर देंगे कहां से आएगी अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा कितनी अमाउंट का क्रिएट करना है फाइव थाउजेंड रुपीज का फाइव थाउजेंड रुपीज का ही तो फाइव थाउजेंड रुपीज का हम क्या कर देंगे प्रोविजन क्रिएट कर देंगे प्रोविजन प्रोविजन टू डाउटफुल डेथ रुपीज फाइव थाउजेंड रुपीज ठीक है प्रोविजन हमने क्रिएट कर दिया नेक्स्ट स्टेप हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है जब सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई हम क्रिएट करेंगे एक वर्किंग नोट में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और जो सरप्लस बचा होगा रिकंस्ट्रक्शन का उसे हम यूज करेंगे राइट ऑफ करने के लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस वगैरह यही करते हैं तो चलो सबसे पहले हम बनाते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लेते हैं तो ये हमारा हो गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट अब हमें देखना है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कहां पे से पैसा आया कहां पे डेबिट हुआ और कहां पे क्रेडिट हुआ ठीक है तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ जब हमने शेयर की फेस वैल्यू को रिड्यूस करा था कितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ नाइनटीन लैख से फिर साथ साथ देख लेते हैं एक और, और कहीं और यहां पर जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट के कारण भी क्रेडिट हुआ कितने से वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड से तो नाइनटीन लाख ,00 और वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो सबसे पहला क्या आया इक्विटी शेयर कैपिटल जो नाइनटीन लाख रुपीस की थी फिर उसके बाद जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट था रीकंस्ट्रक्शन अकाउंट में वो भी ट्रांसफर हुआ था वो भी क्रेडिट हुआ था तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स था वो कितनी अमाउंट थी वन ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ओनली ठीक है आगे चलें और देखें कौन कौन से हैं में में कोई यूज हुआ फिफ्थ है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का फिर लैंड एंड बिल्डिंग के कारण क्रेडिट हो रहा है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का मतलब दो क्रेडिट है फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड के क्रेडिटर और लैंड एंड बिल्डिंग के तो एक हो गया क्रेडिटर के क्या अमाउंट रहेगी फिफ्टी थाउजेंड फिर हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का क्या अमाउंट रहेगी फिफ्टी थाउजेंड फिर वापसी ऊपर चलते हैं उसके बाद डेबिट हो रहा है डेबिट क्यों हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी के कारण नाइनटी थाउजेंड रुपीज का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाइव थाउजेंड रुपीज का तो हमारा डेबिट हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी के कारण थाउजेंड रुपीज का और उसके साथ प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स ये कहा है कि हमारा रिकंस्ट्रक्शन ये अमाउंट कौन सी है, जो हमारा अकाउंट है कहा, उसमें से पैसा आया और ये वाली साइड क्या है कहां कहां पैसा जा रहा है ठीक है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हमने फाइव थाउजेंड रुपीज निकाला फाइव थाउजेंड रुपीज अब जो बची हुई अमाउंट है उसको मैं यूटिलाइज करूंगा राइट ऑफ करने के लिए अपने प्रीलिमरी एक्सपेंसिस वगैरह या अदर इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह तो देख लेते हैं कितनी अमाउंट आ रही है तो ये नाइनटीन लैख प्लस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस वन ये ट्वेंटी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड टोटल इसका आ रहा है ट्वेंटी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो ये भी हो जाएगा ट्वेंटी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड

एक हमारी गुडविल हो सकती है इंटेंजिबल एसेट है फिर उसके बाद हमारे प्रीलिमरी एक्सपेंसेस हो गए फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया जो लॉस है हमारा इन ती इन तीनों को कंपनी ने राइट ऑफ करना है अब इन तीनों का सम करता हूं एक बार देखो हमारा गुडविल है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिज है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नाइनटीन एट्टी थाउजेंड रुपीज का टोटल हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव भी आ गया मतलब तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे राइट right ऑफ हो जाएंगे ठीक है अब तीनों के राइट right ऑफ की एंट्री क्या होगी सबसे पहले तो तीनों के राइट right ऑफ की एंट्री पास करेंगे हम तो राइट right ऑफ की एंट्री क्या होगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड अब तीनों को राइट right ऑफ करना है क्या क्या था हमारा एक गुडविल था गोलविल के बाद क्या था फिर हमारा था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फिर हमारा क्या था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब जो लॉसेस का हमारा डेबिट बैलेंस चल रहा था वो तीनों के अमाउंट क्या है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड नाइनटीन तो ये हो गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड नाइनटीन लैख एट्टी थाउजेंड तो ये आ गया ट्वेंटी लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेम में अपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को भी कंप्लीट कर देता हूँ रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में क्या हो जाएगा एक गुडविल आ जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का फिर हमारा आ जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज के और जो लॉस चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में इतना सारा लॉस चल रहा था उसको भी कंपनी ने क्या कर दिया कंप्लीटली राइट ऑफ ठीक है ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और हमने सारी एंट्रीज मार दी जो उन्होंने कही हुई थी हर एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अब हमारा नेक्स्ट काम किया नेक्स्ट काम है उन्होंने बोला है कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करो आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन मतलब बैलेंस शीट में क्या दिखना चाहिए जो नई वाली आइटम्स हैं वो दिखनी चाहिए ठीक है अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए मैंने फॉर्मेट पहले से ही क्रिएट कर लिया है ठीक है तो अब मैं जो सिर्फ वो है अमाउंट्स को डालना शो करूंगा तो ये मैंने फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है बैलेंस शीट का ठीक है अब आगे चलते हैं तो अब देखते हैं सबसे पहले कि शेयर कैपिटल कितनी है देखो हम पहले शेयर कैपिटल कितनी थी अगर मैं डायरेक्टली ये अमाउंट डाल दूंगा एक बार इसे क्लियर कर दें अगर मैं डायरेक्टली ये अमाउंट डाल दूंगा तो गलत हो जाएगा क्यों अभी हमने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर लिया है और बीच में कुछ नए इशू भी करे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए चलना है देखो पहले शेयर कैपिटल थी ट्वेंटी लाख रुपीज की ट्वेंटी लाख रुपीज की थी ट्वेंटी लाख रुपीज को फर्स्ट एंट्री में हमने क्या कर दिया सिर्फ वन लाख में रिड्यूस कर दिया यही कह रहा था ना वन लाख रुपीज में रिड्यूस कर दिया था फिर वन लाख को कन्वर्ट तो लाख रह गया मतलब अभी हमारे पास एंट्री तक क्या करे शेयर है मतलब टेन थाउजेंड शेयर हो गए टेन रुपीज वाले अमाउंटिंग हो गई वन लाख रुपीज आगे चलते हैं फिर थर्ड में फोर्थ में कुछ भी नहीं है फिफ्थ में हमने शुरू फिर इशू करे हैं फिफ्थ और सिक्स में हमने इशू करे हैं फाइव लाख रुपीज के टेन रुपीज वाले ही हैं, तो मतलब टोटल सिक्स लाख रुपीज हो गए सिक्स लाख ,00 रुपीज वाले टेन रुपीज, रुपीज फेस वैल्यू वाले टोटल अमाउंटिंग ,00 के शेयर के पास तो मतलब तो ,00 और कुछ फिर और कहीं परेयर कैपिटल हमने करा एक जगह हमने उनको इशू करे थे ना डिबेंचर्स को वो कहाचर्सिटर्स को इशू करे थे ना जो शेयर टू लाख रुपीज तो हमने यहाँ पे क्या कर रखे हैं क्रेडिटर्स को टू लाख रुपीज के शेयर इशू करे हुए तो ये अमाउंट भी क्या हो जाएगी एड हो जाएगी तो सिक्स प्लस टू एट लैक्स मतलब तो टोटल तो हमारे एट लैक्स एट लाख रुपीज के एक शेयर कैपिटल है तो इसको मैं नोट शू अकाउंट्स में पहले शो करूंगा क्या है हमारा एट्टी थाउजेंड शेयर्स हो गए कितने फेस वैल्यू वाले टेन फेस वैल्यू वाले ऐसे लिखोगे ऑफ रुपीज टेन फेस वैल्यू तो ये आ गई हमारी एट लाख रुपीज कोई प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कोई उसकी बात नहीं करी हुई रिजर्व सप्लस की तो ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा एट लाख रुपीज फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली बात इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया अब ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स को हमने क्या कर दिया था कन्वर्ट कर दिया था फोर्टीन परसेंट में तो ये हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी फोर्टीन परसेंट डिबेंचर्स जो कि हमारे फाइव लैख के हैं तो फोर्टीन परसेंट डिबेंचर्स जो फाइव लैख के हैं तो लॉन्ग टर्म बोरविंग्स हो गई हैं कौन सी हैं फोर्टीन परसेंट डिबेंचर्स क्या अमाउंट है इनकी फाइव लाख ,00 रुपीस तो ये आ गई हमारी लॉन्ग टर्म बोरविंग्स फाइव लाख ,00 रुपीस की ठीक है उसके बाद आउटस्टैंडिंग डिबेंचर सारे खत्म क्रेडिटर्स सारे खत्म क्योंकि क्रेडिटर्स को भी हमने पेमेंट कर दी थी या तो शेयर में कन्वर्ट कर दिया था या तो कैश दे दिया था

Land building, plant and machinery and furniture. और इनकी वो value डालनी है जो हम रीवैल्यू कर चुके हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग में हमने करके कितनी डाली है? टू लैख टेन थाउजेंड और बचा कौन सा फर्नीचर फर्नीचर की कोई चेंज नहीं हुई तो फर्नीचर की अमाउंट क्या रहेगी हमारी एट्टी थाउजेंड तो हमारा इसको मैं सीधा उसमें दिखा देते हैं अकाउंट्स में तो फिक्स एसेट्स में पहला क्या था लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट क्या है 1 थी और उसमें हमने फिफ्टी थाउजेंड एड कर दी थी तो टोटल वन लैख फिफ्टी थाउजेंड थी उसको रिवैल्यू किया था फिफ्टी थाउजेंड से टोटल अमाउंट हमारी हो गई थी टू लैख ,00 रुपीज ये रिवैल्युएशन हुई थी फिर दूसरी क्या थी प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी का क्या हुआ था थ्री लैख ,00 की थी और नाइंटी थाउजेंड से डी वैल्यू करी थी हमने उसे तो थ्री लैख ,00 की थी और डी वैल्यू करा था उसे टू लैख टेन थाउजेंड पहुंच गया था तो टू लैख टेन थाउजेंड फिर बचा फर्नीचर फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ था तो फर्नीचर की हम सीधा डायरेक्ट अमाउंट उठा लेंगे क्या अमाउंट थी फर्नीचर की फर्नीचर की अमाउंट है एट्टी थाउजेंड तो फर्नीचर की हमारी अमाउंट आ गई एसेट्स एट्टी थाउजेंड इन सबको प्लस कर लिया इन सबको प्लस कर लेंगे तो फोर लैख नाइन थाउजेंड गए हमारे हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे फोर लैख नाइन थाउजेंड ठीक है आगे अगली इंफॉर्मेशन देख लें फिर स्टॉक दे रखा है टू लैख सेवेंटी थाउजेंड डेटर, डेटर को पास करते हैं। ध्यान रखना है क्यों लास्ट में प्रोविजन क्रिएट करा था डाउटफुल डेट का तो उसकी एंट्री भी हमें बैलेंस शीट में दिखानी है और साथ में कैश एट बैंक है कैश एट बैंक कितना है थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का तो स्टॉक टू लैक सेवेंटी थाउजेंड रुपीज का तो स्टॉक को हम इन्वेंट्रीज में शो करेंगे टू लैक सेवेंटी थाउजेंड रुपीज अगला क्या है ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेड डेटर्स डेटर्स की की में के हमें क्या करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमने ऊपर क्रिएट करा था वो शो करना है कितना था वो फाइव थाउजेंड रुपीज का तो अमाउंट क्या आगे फिफ्टी फाइव थाउजेंड और लास्ट में कैश कितना गिवन था कैश की अमाउंट क्या थी Cash की अमाउंट है थर्टी फाइव थाउजेंड कैश की अमाउंट थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है चले आगे अब ये तो कैश सिर्फ वो हो गया जो पहले से पड़ा था कहीं बीच में हमारा कैश या बैंक वगैरह आया नहीं तो वो भी चेक कर लेते हैं तो लेट सपोज बीच में कहीं हमने जहां शेयर वहां भी तो कैश आया था ना तो हमारा जो ये बैंक है, फाइव लाख रुपीज आया है यहाँ पे देखो फाइव लाख रुपीज का बैंक की अमाउंट आई है फिर हमने क्रेडिटर्स को पे भी किया था कहां पे किया हुआ है बैंक फिफ्टी थाउजेंड से पे किया हुआ है तो फाइव लाख माइनस फिफ्टी थाउजेंड फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का हमारे पास कैश है तो और बैंक में हम लिख देंगे इसे और कुछ कैश आया और गया नहीं तो इसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा बैंक के अमाउंट से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या तो हम कैश कैश एट बैंक दोनों एक साथ लिख सकते हैं क्यों क्योंकि तो हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना ये क्वेश्चन में गिवन है कि बैंक में ही आया पैसा चेक कर लेंगे आई डे टू एक्सेप्ट इन कैश इन फुल सेटलमेंट कैश दे रखा है और जब हमारा इशू हो रहे हैं शेयर्स तो ऐसा कुछ मैंशन नहीं है कैश पेमेंट ऑप्टिंग फॉर कैश पेमेंट नहीं कुछ मैंशन नहीं तो इसको हम कैश ही ले लेंगे पूरे को कैश एंड बैंक को एक साथ लिख देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा पहले थर्टी फाइव थाउजेंड थे उसके बाद फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड के हमारे बीच में आए कैसे फाइव लाख के तो इशू करे थे शेयर्स और फिफ्टी थाउजेंड पे करे क्रेडिटर्स को तो फोर फिफ्टी थाउजेंड Erase कर दो टोटल हमारी आ गई ये आ गई फोर लैख एट्टी फाइव थाउजेंड इन तीनों को बैलेंस शीट में शो कर देते हैं टू लैख सेवेंटी थाउजेंड फिर उसके बाद फिफ्टी फाइव थाउजेंड और फोर लैख एटी फाइव थाउजेंड फोर लैख एट्टी फाइव थाउजेंड अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए बैलेंस शीट मैच करना जिसको हर एक बच्चे को टेंशन होती है

मैंने वो पास नहीं करी नरेशन नहीं लिखी क्यों मेरा मोटिव था कि वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना किया जाए नरेशन लिख लिख के तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखना है कि अगर नहीं लिखा हुआ कि नरेशन को इग्नोर करना है तो आपको भी नरेशन लिखनी है हर एक जनरल एंट्री के बाद और सेकेंड थिंग क्वेश्चन के स्टार्ट होने के पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पेपर में ठीक है दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय बाय टेक केयर सी यू सून